अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरे लिए खास स्पेशल जो शेर खुरमा वगैरह बना के रखा है, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है मीठा। फर्स्ट टाइम कुकिंग में बेटी के घर में हूँ। आज का जो न्यू ब्लॉग है वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और एंड भी मैं यहाँ ही करूँगी। मेरी मज़ेदार डिश आज बन रही है, और वो डिश है क्या, चलिए दिखाते हैं आपको। ये मसाला तैयार हो रहा है, और ये मैगी है, मैक्रोनी यानी है। और हम लोग जो है एयरपोर्ट के लिए रवानगी कर रहे हैं, तो सुनने में आया है कि भाई यहाँ पे हर 5-10 मिनट में जहाज़ उतरते हैं। तो हमारा बड़ा शौक था कि हम जाके जहाज़ों को देखें उतरते वक्त। तो जब हम एयरपोर्ट के लिए निकले, तो आज हम दोनों एयरपोर्ट पे घूम के आए, पुराना वाला भी देखा और नया वाला भी देखा। और जहाज़ के इंतज़ार में तकरीबन 1-2 घंटे हमें हो गए, लेकिन हमारे सामने जहाज़ नहीं उतरा। और फिर जैसे ही जहाज़ उतरा, तो हमने जहाज़ को भी देखा, बच्चों ने देखा, बच्चे बड़े खुश हुए। और तकरीबन 3-4 घंटे हम निकले, घूमे फिरे। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है खाना तैयार है, मेरा फेवरेट खाना है। मज़ेदार, ज़बरदस्त और VIP मेरी पसंद का खाना। तो ये मैक्रोनी है, मैक्रोनी मुझे बेइंतहा पसंद है। चाहे कि हमारे पड़ोस के घर में भी पकती है, तो मैं बिन मांगे मंगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे भाई? खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक। ये घर में रात को नींद का बड़ा मज़ा आया है। जो ही रात को हम सोए हैं, तो अभी उठे हैं, और अभी फैंटास्टिक मज़ेदार नाश्ता तैयार है। अब मिल बांट के नाश्ता करते हैं। नाश्ता वगैरह तो हो चुका है इस टाइम पे। नाश्ता करके फ्री होके थोड़ा बैठे थे गपशप करने के लिए। गपशप हमारी बहुत अच्छी हुई है, बहुत मज़ा आया बातों बातों। हम लोग फ्री हो चुके हैं, और नाश्ते के बाद अभी जो है शरबत वगैरह भी बनाए, शरबत भी हमने पिया। 1:15 बजे तक जो है मैं यहाँ से निकलने की तैयारी अपनी करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे काम पे पहुँचना है 1:30-2 बजे तक। बच्चे जो है घर चले जाएंगे, और जो है मैं काम पे चली जाऊँगी। तो जो है न्यू व्लॉग जो है मेरा अपने घर पहुँच के वहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो मैं आई हूँ, तो यहाँ जो मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग, वो मैं यहाँ ही स्टार्ट किया है, और ख़त्म भी मैं यहाँ ही करूँगी। भाईओ, आप सबको ईद का मज़ा आया, आप लोग गए घूमे फिरे। हाँ, मैं आप सबको बता रही हूँ कि मेरी दोस्त दरअसल गई थी सफारी पार्क पर, बता रही है कि इतना वहाँ पे रश था, इतना रश था कि हद है। और हर चीज़ इतनी महंगी थी कि वो लोग कुछ खाने पीने के लिए ख़रीद ही नहीं सके। दरअसल उन्होंने सादा बर्गर का मालूमात करवाया, तो 280-300 में एक सादा बर्गर मिल रहा था। तो बेचारे तो गए बड़े शौक से, लेकिन खाया पिया उन्होंने कुछ भी नहीं। जब आए तो वो जो है मौसमियात पर उन्होंने ब्रेक किया वहाँ पे, फिर वो लोग गए वहाँ, उन्होंने खाया पिया, बच्चों को भी खिलाया, और फिर वहाँ से वो लोग घर लौटे। प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मेरा जो है स्टार्ट भी यहाँ था, और व्लॉग का मैं एंड भी यहाँ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है वो मैं घर पहुँच के वहाँ से ही शुरू करूँगी। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मेरा जो कल का और आज का जो व्लॉग आप सबको कैसा लगा है। और जो है
आप सब अपना बहुत ख्याल रखें प्यारे बहन भाइयों, मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।